दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के खबरों की। बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को किया गया स्पॉट, कहां और किसके साथ, टेक अ लुक। लगता है बच्चन परिवार की बहू को अपनी कमिंग फिल्म से राहत मिल गई है, तभी तो वो अपनी बेटी के साथ घूमी घूमी कर रही है। दरअसल ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल से घर लौट रही थी, तभी हमारे कैमरे ने ऐश को उनकी बेटी और मॉमी के साथ स्पॉट किया। बता दें ऐश्वर्या जो कि कांस में एक ब्यूटी ब्रांड रिप्रेजेंट करने गई थी, वही उन्होंने अपने कमिंग फिल्म सरबजीत को शोकेस किया। वेल, एयरपोर्ट पर ऐश अपनी बेटी के साथ खूब इंडल्ज होती नजर आई। देखिए कैसे अपनी बेटी को गोद में लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ रही है। अजी इसके पीछे की सच्चाई भी कुछ और ही है। ऐश्वर्या ने आराध्या को गोदी में सिर्फ आराध्या के जिद की वजह से ले रखा है। जी हाँ, आराध्या जिद्दी बेटी बनती नजर आ रही है। तभी तो एयरपोर्ट से गाड़ी की तरफ जाते वक्त आराध्या ने चलने से मना कर दिया और मॉमी ऐश को फिर गोदी में लेना पड़ा। वेल, मॉमी के गोदी में आते ही आराध्या की जिद पूरी हो गई और गाड़ी में बैठी अपने घर के लिए रवाना हो गई। वेल, अब ऐश्वर्या वापस आ गई है। अब ये मैडम बिल्कुल रेडी है अपने अपकमिंग फिल्म सरबजीत के प्रमोशन के लिए। एयरपोर्ट में ऐश्वर्या के साथ बॉलीवुड के कई और चेहरे भी नजर आए, जिसमें शामिल है आलिया, गौर खान और परेश रावल। हैव अ लुक। बॉलीवुड की क्यूट गर्ल के टैग से परेशान आलिया भट्ट को एयरपोर्ट पर किया कैमरे ने कैद, जहां मैडम ने वियर कर रखा था कैजुअल टी शर्ट एंड जीन्स पेयर्ड विद बूट एंड कूल जैकेट, और उसी के साथ फेस पर थी प्यारी सी स्माइल। ओहो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चिल। लेकिन इसी बीच मीडिया के सवालों के लिए टाइम नहीं निकाल पाई। एनीवेज, यहां पर किंग खान की वाइफी गौरी खान भी नजर आई, लेकिन कुछ खास लुक कैरी नहीं किया। वही नॉर्मल जीन्स टॉप एंड एविएटर्स, जिसमें मैडम का क्लास छुपता दिखा। अरे अरे अरे, ये क्या, देखिए परेश रावल को यहाँ कुछ परेशान से दिख रहे हैं। इनके लुक पर कमेंट करना तो दूर की बात, इनके फेस की हवाइयाँ उड़ी पड़ी है। देखिए तो कब से फोन पर बिजी है, पता नहीं ऐसी क्या परेशानी है। सबको अपने किरदार से परेशान करने वाले के फेस पर परेशानी जम नहीं रही है। भाई जहां कुछ सेलेब्स एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, तो कुछ को कपिल शर्मा के शो पर स्पॉट किया गया। कौन है, डालते हैं एक नजर। जल्द ही बॉलीवुड की टिप टिप गर्ल रवीना टंडन और क्रिकेटर डीजे ब्रावो को हम सब कपिल शर्मा के शो में देखने वाले हैं, जिन्हें हाल में कपिल शर्मा के सेट के बाहर कैमरे ने कैद किया, जहां पर ब्रावो अपने ब्रावो अंदाज में कैमरे को पोज देते नजर आए। तो वही रवीना ने ब्लैक गाउन के साथ स्मोकी मेकअप विद रेड लिप कलर कैरी किया। मीडिया को पोज देने में रवीना भी नहीं चुकी। पोज पर पोज देना तो कोई इनसे सीखे। अब पोजेस बहुत हुए, अंदर सेट पर जाकर क्या मस्ती हुई इसका इंतजार करना काफी मुश्किल है। आफ्टर ऑल द कपिल शो इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कपिल अपने मेहमान के साथ कितना एंटरटेन करते हैं। जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म कैरी ऑन कुटॉन देने वाली है दस्तक, और इस पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस आराधना जगोटा ने अपने फिल्म को लेकर कई सारी बातें करी शेयर। टेक अ लुक। फिल्म का नाम कैरी ऑन कुटॉन क्यों रखा गया? फिल्म का जो नाम है कैरी ऑन कुत्तो, वो इसलिए है क्योंकि जो फ्रेज होता है कैरी ऑन, लाइक वी से दैट ओके यू कैरी ऑन आई विल जॉइन यू लेटर, सो इट्स कैरी ऑन। एंड कुत्तों, बिकॉज ये जो चार किरदार हैं, फोर कैरेक्टर्स हैं, इन सब इन चारों की फितरत कुत्तों जैसी है, सो कैरी ऑन कुत्तों। एंड जो लीड एक्टर जो कैरेक्टर हैं उनका नाम कैरी है फिल्म में, सो कैरी से वो कैरी बन गया, सो दैट इज हाउ द नेम ऑफ द फिल्म वाज फॉर्म्ड एंड इट बिकेम कैरी ऑन कुत्तो। फिल्म की कहानी क्या है? छोटे शहर बलिया की कहानी है, बलिया में रहने वाले चार लोगों की कहानी है। इट्स अ वेरी कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म एंड आई प्ले वन ऑफ द कैरेक्टर्स कॉल्ड ज्योति चौहान, और मेरे अलावा तीन और मेल एक्टर्स हैं इस फिल्म में। वी इट्स अबाउट द फोर ऑफ अस। तो बेसिकली इस छोटे शहर बलिया में
इन चार किरदारों की कहानी बताई गई है कि छोटे शहरों की यंगस्टर लाइफ कैसी होती है, हाउ डू यंगस्टर्स कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग किड्स लिव इन अ स्मॉल टाउन, बिकॉज यूजुअली इट्स ऑलवेज अबाउट अ मेट्रो सिटी, दिल्ली और बॉम्बे और बैंगलोर, बट छोटे शहरों की कहानियाँ ज़्यादा बताई नहीं जाती, जो बताई जाती है वो बहुत दुख भरी कहानियाँ होती हैं. सो दिस वन इज़ नॉट लाइक दैट. छोटे शहर के फन एलिमेंट को दिखाया गया है. फिल्म में आपका क्या है किरदार? द गर्ल दैट आई प्ले शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी एज अ पर्सन. ज्योति चौहान एक छोटे शहर की लड़की है. शी वॉज गिवन अवे बाई हर पेरेंट्स एट बर्थ बिकॉज ऑफ बींग अ गर्ल चाइल्ड. लड़की होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे नाना नानी को दे दिया कि आप इसे पालो, हम ये लड़की है, हमें नहीं चाहिए. और नाना नानी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न की लड़की है, उसे एक लाइबिलिटी की तरह रखते हैं. द मोमेंट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी दे विल मैरी हर ऑफ टू एनी बडी एंड की सर दर्द हट गया. सो बिकॉज ऑफ दैट ये लड़की बहुत ही थोड़ी ग्रे है, थोड़ी इंडिविजुअलिस्टिक है, बिकॉज शी नोज कि जो उसे लाइफ में चाहिए, अपने एस्पिरेशंस चाहे छोटे हों या आगे जाके बड़े हों, खुद ही पूरे करने पड़ेंगे, खुद ही लोगों की हेल्प किसी तरह लेके पूरे करने पड़ेंगे. शी डजंट हैव एनी फैमिली सपोर्ट. सो दिस शी एज अ कैरेक्टर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. वेल, इन्हीं बातों ही बातों में मैडम ने फिल्म का एक डायलॉग हमसे शेयर किया. अब जब तक टच फोन नहीं मिला ना, टच भी नहीं करने देंगे, समझे भाई. इस डायलॉग को सुनने के बाद तो फिल्म देखनी बनती है. बता दे फिल्म 20 मई को सिल्वर स्क्रीन पर देने वाली है दस्तक. वेल, वी विश कैरी ऑन कुटॉन टीम ऑल द बेस्ट. वेल, बॉलीवुड न्यूज में इतना ही. देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.